अनामिका, बिहार की 25 खबरों के साथ आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं के डमी एडमिट कार्ड। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर 2020 के एडमिट कार्ड में एरर कनेक्शन करने का मौका देते हुए परीक्षार्थियों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी किया है। उम्मीदवार मैट्रिक के लिए वेबसाइट www.biharboard.online और इंटरमीडिएट के लिए वेबसाइट bseb.inter.edu.in से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने से स्कूल प्रशासन और परीक्षार्थी दोनों ही खुद से डमी एडमिट कार्ड की जांच कर पाएंगे। बिहटा के सोन और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहटा में गंगा और सोन नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण प्रखंड मुख्यालय से मनेर दियारा के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हजारों लोग नाव से आने जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। मनेर के दियारा क्षेत्र में जलस्तर में इजाफा होने के कारण 76 रतन टोला, महावीर टोला और हल्दी छपरा सहित दर्जनों गाँव में गंगा और सोन का पानी घुस गया है। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को अमेरिका ने दिया अवार्ड। बिहार के फेमस कोचिंग सेंटर सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को अमेरिका में सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार को एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। आनंद कुमार को देश के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनके सहयोग के लिए प्रतिष्ठित शिक्षण अवार्ड दिया गया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने निकाली 15,736 रिक्तियां। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 15,736 रिक्तियां निकाली हैं। यह वैकेंसी अलग अलग पदों के लिए होगी। इच्छुक उम्मीदवार btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2019 है, जहां मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की कुल 6,437 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ नर्स और अनुशिक्षक के पदों पर कुल 2,299 पद निकाले गए हैं। तेजस्वी ने साफ किया अपना स्टैंड, कहा कभी नहीं जाएंगे जदयू भाजपा गठबंधन के साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह साफ करते हुए कहा कि वो किसी भी हाल में भाजपा जदयू गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में तेजस्वी ने कहा कि मेरे अंदर लालू यादव का ही गुण है, जो कि मनुवादी या सांप्रदायिक शक्ति से कोई समझौता नहीं कर सकता और जनादेश न मानने वालों के साथ मैं कभी नहीं जा सकता। सूखे से प्रभावित परिवारों को बैंक में भेजी गई 3,000 की राशि। सीएम नीतीश ने तत्काल सहायता राशि वितरण का किया शुभारंभ। सूखे से प्रभावित परिवारों के सीधे बैंक खाते में भेजी गई 3,000 रुपए की राशि। पहले चरण में 1,26,918 सत्यापित परिवारों को कुल 38,07,54,000 रुपए की सहायता राशि का ट्रांसफर PFMS प्रणाली के माध्यम से ICICI बैंक के द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में किया गया, जो उन्हें 48 घंटे में प्राप्त हो जाएगा। बिहार में शिक्षा क्षेत्र को मिले और धनराशि, नीतीश कुमार। केंद्र सरकार द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें संवैधानिक पक्ष स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी कैसे संचालित किया जाएगा, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी, इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को केंद्र से और अधिक राशि देने की मांग भी की। लालू और नीतीश के करीबी ने बनाई नई पार्टी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत कभी लालू नीतीश के करीबी रहे पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह ने अपनी नई पार्टी बिहार लेबर पार्टी बना ली है। पूर्व मंत्री ने बताया कि 32 प्रस्तावों पर घोषणा पत्र बनाकर विधिवत तरीके से बिहार लेबर पार्टी बनाई गई है। वे खुद इस पार्टी के संयोजक हैं, जबकि आफताब आलम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण रुका। हाजीपुर के गंगा नदी में उफान के कारण महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया है। निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के बेस कैंप और साइट पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया। इसके अलावा हैवी वेट मशीन को भी शिफ्ट करवा दिया गया है। काम में बाधा आने के बाद निर्माण कार्य अब जनवरी तक पूरा हो सकेगा। बिहार में एक बार फिर मंडराने लगा है बाढ़ का डर। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर आने को है, जिसके कारण बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में कई जिलों और नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो गई है। उत्तर बिहार में हुई भारी बारिश की वजह से एक बार फिर कमला, गंडक, बागमती, लाल बकैया और मसाने जैसी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। युवा राजद नेता तेजस्वी ने पूछा, क्या राज्य के युवाओं को 30 साल करना होगा इंतजार। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुशील मोदी खाली बिहार को गरीब राज्य बनाने और घोषित करने में लगे हुए हैं। वे कभी पितृपक्ष और सावन भादों का बहाना तो बना रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि आखिर 15 सालों में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम बनकर बिहार को आर्थिक मंदी में क्यों लाया। उन्होंने ये भी सवाल करते हुए कहा कि क्या देश के युवाओं को अगले 30 सालों तक नौकरी के लिए इंतजार करने को कहेंगे।
रितु जायसवाल हुई दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित। आईएएस अरुण कुमार की पत्नी रितु जायसवाल ने अपने ससुराल के गांव को बदलने से लेकर वहां के विकास के लिए काफी कामों को किया है, जिसकी वजह से उन्हें गांव वालों ने बेटी के जैसा प्यार भी दिया है। बता दें कि रितु जायसवाल सिंह वाहनी पंचायत की मुखिया होने के लिए उन्हें उच्च शिक्षित आदर्श युवा मुखिया अवार्ड के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब उनके मेहनत और प्रयासों की वजह से भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना है। राजद भाई वीरेंद्र बोले, बिहार के लिए बिहार सरकार है जिम्मेदार। राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने यह दावा किया है कि जेडीयू के कई नेता हैं उनके संपर्क में। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी से दर्जनों जेडीयू नेता बातें करते हैं और पार्टी में भी आने के लिए तैयार हैं, जिसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में हो रहे सभी गलत कारामातों के लिए बिहार सरकार है जिम्मेदार। बिहार के सभी गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को नीतीश सरकार की तरफ से उपहार। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, उन्हें नीतीश सरकार द्वारा सभी को 31,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसकी घोषणा पटना के मगध महिला कॉलेज के एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने की है। बिहार के सभी सरकारी स्कूली शिक्षकों का वेतन हुआ जारी, जिसमें सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की वेतन की दूसरी किस्त राशि के रूप में 13,57,38,35,000 की राशि बिहार सरकार ने जारी कर दी है, जो कि स्कूलों में स्वीकृत 66,104 पदों के लिए की गई है। बता दें कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान शिक्षा अभियान की मदद से किया जाएगा। परिवहन विभाग अब घर तक प्रदूषण जांच पत्र देने की सुविधा देगी। परिवहन विभाग की तरफ से एक जरूरी पहल की गई है, जिसमें प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के लिए अब सभी सरकारी कार्यालयों, घरों या अपार्टमेंटों, स्कूली बसों तक पहुंचकर मोबाइल वैन की सुविधा टोल फ्री नंबर 888-007-8078 पर उपलब्ध कराएगी, जिसके द्वारा 2 से 5 मिनट में प्रदूषण जांच कर तुरंत ही प्रदूषण प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जिससे लोगों को भीड़ के साथ प्रदूषण कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने दी है। सीएम नीतीश ने किया मगध महिला कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास। मगध महिला कॉलेज में 639 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया, जिसके दौरान सीएम ने यह भी कहा कि सभ्यता द्वार और बापू सभागार के बगल में भी हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखा जाए। इस कार्यक्रम के मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल शशि शर्मा ने सीएम से 100 कंप्यूटर लाइब्रेरी बनाए जाने की मांग की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 अनाथ और दिव्यांग बच्चों को लेंगे गोद। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी के जन्मदिन के सेवा सप्ताह पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें वे ऐसे 25 बच्चों को गोद लेंगे जो दिव्यांग या अनाथ हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि गोद लिए गए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ ही शादी करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। उनके जीवन यापन का पूरे खर्च का संकल्प नित्यानंद राय ही उठाएंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष तीसरी बार बनेंगे वशिष्ठ नारायण सिंह। सीएम नीतीश ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह को मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपना नामांकन गुरुवार को कर लिया है। बता दें कि वशिष्ठ नारायण साल 2010 से ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे, जिसके बारे में सूचना अनुसार 20 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उनके निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। कोयला उत्पादन कंपनी में 9,000 पदों पर जल्द ही होगी भर्ती। कोल इंडिया में कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में 5,000 कामगारों और तकनीकी कामगारों की भी भर्ती की जाएगी, जिनके स्टाफ रिटायरमेंट से पहले गुजर चुके हैं। उनके परिवारों से 2,350 लोगों की भर्ती, जिनकी जमीन प्रोजेक्ट के लिए ली गई है उनके परिवार से 2,300 लोगों की भर्ती और गैर तकनीक पदों के लिए 4,000 लोगों की भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर 9,000 पदों पर जल्दी ही पिछले एक दशक से सबसे बड़ी भर्ती की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए कोल इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि कई सालों से पद खाली पड़े हैं। सारे पेपर रहने पर भी ट्रैफिक काट सकते हैं चालान। नए यातायात नियम के अंतर्गत सारे कागजातों के रहते हुए भी आपके वाहन का चालान काटा जा सकता है, जिसका कारण है गाड़ी की खराब टायर, हॉर्न या मिरर का न होना, हॉर्न का इस्तेमाल अनावश्यक या हॉर्न इस्तेमाल न करना, ड्राइव करते वक्त म्यूजिक सुनना या मोबाइल पर बात करना और गाड़ियों का रॉन्ग साइड ड्राइविंग या ओवरटेकिंग करना शामिल है। बिहार के गोपालगंज जिला अंतर्गत रहने वाली बेटी सिब्बी का नाम यूटीसीए क्रिकेट टीम में हुआ शामिल। सिब्बी गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के गणेश डुमर पंचायत के मुखिया दिलीप बैठा की बेटी है, जो अपने पिता की रुचि क्रिकेट में देखकर अपने उम्दा प्रदर्शन की वजह से मुंबई में आयोजित नेशनल T20 टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। उसके जुनून की वजह से इसी वर्ष BCCI ने UTCA को मान्यता प्राप्त के बाद 15 महिला खिलाड़ी क्रिकेट टीम अंदर 23 में से अंडर 16 खिलाड़ियों में सिब्बी का नाम भी शामिल हो गया है। टी
T20 में विराट कोहली ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। T20 के 2019 में कप्तान विराट ने अपने 52 गेंदों में 72 रन की पारी खेलकर 3 विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम कर लिया है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से रद्द हुई खेल की वजह से साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच हो रही T20 का मुकाबला काफी चुनौतियों भरा लग रहा था, जिसमें कल शाम के हुए मैच में टीम इंडिया ने मोहाली में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर इतिहास रच दिया है। बता दें कि विराट ने अंतरराष्ट्रीय T20 कैरियर 22वां अर्धशतक लगाया है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा के 21 अर्धशतक को पीछे छोड़ दिया। प्रो कबड्डी लीग मैच में आज शाम को पटना पायरेट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस से भिड़ेगी। प्रो कबड्डी लीग का मैच आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें पटना पायरेट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस से भिड़ेगा। बता दें कि पटना पायरेट्स अभी 9वें नंबर पर है, जिसमें खेले गए 16 मैचों में से 6 में जीत और 10 में हार हासिल की है। अभी तक पटना पायरेट्स 35 अंकों पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने संजय जायसवाल ने कही अपनी बात। भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव की तुलना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य है 2020 में होने वाला चुनाव और हर कार्यकर्ता को इस लक्ष्य को पूरा करना है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।